नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, HSSC की तरफ से 8 बिग अपडेट्स हैं, ठीक है। बहुत बड़ा एक्सटेंशन एक्शन लिया है HSSC ने, JBT ST की भर्ती को लेकर, ग्रुप डी की भर्ती को लेकर और ग्रुप नंबर 56-57 की भर्ती को पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट एनकरेज का काम करता है। तो आपके लिए सबसे पहले अपडेट देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, CET नहीं होने से लाखों युवा सरकारी नौकरी में भाग लेने से रहे वंचित, होने से नाराज हुए हैं। क्यों? काफ़ी युवा हैं जो CET नहीं होने से, जो अब 2 साल में CET नहीं हुआ, यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा में सरकारी नौकरियों में ग्रुप C ग्रुप D के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लागू किया गया, मगर एक ही बार CET होने से लाखों युवा नौकरी में भाग लेने से वंचित रह गए, और इससे उनकी ना उनमें नाराजगी और गलियारे में कहा जा रहा है। अभी 2019 के बाद बनी प्रदेश सरकार में CET लागू होने के बाद सिर्फ अब भर्तियां ही पूरी हो रही हैं। CET लागू होने की करने की घोषणा से पहले से चल रही है, भर्तियों को रोक दिया गया था और विज्ञापित पद वापस ले लिए गए थे, ये आपको भी पता है, सभी को पता है। और इस घोषणा के 1.5 साल बाद CET लागू किया गया और उसमें ऐसी शर्तें लगा दी कि CET में 60% अंक लेने के बावजूद युवा ग्रुप C के पदों की मुख्य परीक्षा के लिए भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि CET में कैटेगरी और पदों के अनुसार संख्या अनुसार 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने की शर्त थी। इसका खमियाजा बेरोजगार युवा भुगत रहे हैं, और हर साल CET आयोजित करना था मगर नहीं कराया गया, इससे वे शिक्षित बेरोजगार युवा नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं, जो कि CET के देने के पात्र हैं, बट मगर CET नहीं होने से नौकरी पाने के लिए पात्र नहीं हो पाए, दोबारा नहीं हुआ ना CET इसी चक्कर में। तो CET के में अगर यह शर्त नहीं होती भी, कम से कम एक पदनाम जैसे पदों की कुल संख्या के 4 गुना बुला तो 4 गुना तो बुलाया जा सकता था, मगर इस शर्त के कारण पदों के लगभग बराबर उम्मीदवार ही पेपर दे पाए हैं, जो कि CET पात्रता बनाया जाना चाहिए था। और अब गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि ग्रुप C ग्रुप D के नए पद HSSC को भेज रही है, मगर पुराने CET पास उम्मीदवारों से इन्हें भरकर उन लाखों युवाओं का हक मारा जाएगा जो CET देने पर अंक प्राप्त होने के बाद भी पात्र बन जाते, उन जिन्होंने CET भी दे रखा है मगर उनके कम अंक कम हैं, वे दोबारा CET होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके अंकों में सुधार हो जाए, मगर सरकार और आयोग CET कराने के पक्ष में दिखाई ही नहीं दे रहे। और हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह के में CET कराने के लिए कहा था, मगर सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी। शिक्षित बेरोजगार युवा नाराजगी से भरा पड़ा है, और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। आपको पता है जी, CET दोबारा नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए हैं, इस चक्कर में बेरोजगार युवा बहुत पड़े हैं, बहुत पड़े हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक और खबर आ रही है जी, यहाँ पर पूरी की पूरी अपडेट भी देख सकते हो। यहाँ पर जो नैब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं अब मौके के अपने, तो वह नैब सिंह सैनी जी बार बार यह बताते रहते हैं कि देर रात तक जागते हैं, कि सुबह जल्दी उठकर फिर काम में जुट जाते हैं, और गलियारे में उनके इस तरह काम करने की चर्चा हो रही है। दैनिक सवेरा ने पूछा, क्या अभी भी रात में 2 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह उठकर फिर काम पर लग जाते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर रोज वे 2:30-3 बजे तक जागते रहते हैं, दिन भर जो किया उसका आकलन करते हैं, सुबह फिर 6 बजे उठकर लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिनचर्या यही है, यही चल रही है, क्योंकि कोई ना कोई डेली अनाउंसमेंट हो रही है उसका, क्योंकि आप अनाउंसमेंट सुनते हैं बट उसके पीछे जो उसका वर्क है वो कोई नहीं देखता ना, तो वो भी वर्क करने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना, ये भी बात है। तो ये जो नोटिस दिया है जी, सुरेंद्र धीमान जी हैं हरियाणा के संपादक दैनिक सवेरा के, उनकी तरफ से है। तो वो सुरेंद्र धीमान जी, इनको उस तरह उम्र हो गई है, प्रेस का काम करते हैं, तो ये गलत अखबार में कभी भी खबर नहीं देते,
तो यहाँ पर एक और नोटिस है जी, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी, ये गेम चेंजर। तो ये आपको पता है विपक्ष विपक्ष चल रहा है। भी नैब सिंह सैनी जी ने कहा भी जो कच्चे उम्मीदवार हैं 1,20,000 उनको पक्का करेंगे, ठीक है जी। तो ये अब इनको चैलेंज किया जा रहा है, गलियारे में बातें हो रही हैं भी जो कच्चे उम्मीदवार हैं उनको नैब सिंह सैनी जी देने तो जा रहे हैं तोहफा रेगुलर होने का, बट इससे कोई साबित नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो आपा भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो तो अब फैसला होगा ना, जब वोटिंग होगी वोटिंग के बाद पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। बट ये अभी तक यही अनाउंसमेंट की है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने भी, हम जल्द से जल्द जो कच्चे कर्मचारी HKRN के माध्यम से लगे हैं उनको भी पक्का करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट खबर पर चलते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हो अंत्योदय परिवारों के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह लें तो बहुत बड़ी अपडेट कह लें। तो अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने हर गृहिणी योजना का ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। अंत्योदय परिवारों को ₹500 में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, लगभग 50 लाख परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। सीएम बोले योजना से प्रदेश की बहनों को ₹1,500 करोड़ सालाना मिलेगा लाभ। ये इन्होंने लॉन्च किया जी, जो भी BPL कैंडिडेट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उसके बाद 12 सिलेंडर मिलेंगे साल में, और ₹500 के हिसाब से अगर 12 से 13वां लेना होगा तो वो नॉर्मल आपको मिलेगा, उसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। बट इसमें सिर्फ ₹500 में आपको सिलेंडर मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ BPL परिवार वालों को। बहुत बड़ी अपडेट है जी इसी तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, लास्ट अपडेट है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर्स को भी मिलेगी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी। जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, को लेक्चरर आ रहे हैं उनको भी, ये गेस्ट टीचर को भी सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की अध्यक्षता में 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मिलेगी मंजूरी, ठीक है जी। जो कि यानी कि यूनिवर्सिटीज में भी, सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी जो भी टीचर्स लगे हुए हैं उनको पक्का करने की, ये उनको भी पक्का करेंगे, HKRN वालों को भी पक्का करेंगे, जो कि गेस्ट टीचर हैं उनको भी ये फैसिलिटीज देने की नायब सिंह सैनी जी ने बहुत भरपूर कदम उठाया है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी, गेम चेंजर। ये भी आपको अपडेट अभी अभी बता के हटे हैं जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है जी। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स बता के हटे हैं, वही चीज़ दोबारा आ गई है नोटिस में। तो यहाँ पर ग्रुप C, ग्रुप D और गेस्ट टीचर को प्रथम शेड्यूल के आइटम नंबर 2, 3, 4, 5 के तहत मिलेंगे ये लाभ। कौन कौन से लाभ मिलेंगे जी? एक तो HKRN, एक कोई गेस्ट टीचर है, कोई कच्चे कर्मचारी हैं किसी भी तरह के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। 10 साल से अधिक एंट्री पे लेवल का 15% बढ़ेगा, और 8 से 10 साल वालों का पे लेवल 10% बढ़ेगा, और 5 से 8 साल के बीच का एंट्री पे लेवल 5% बढ़ेगा। हेल्थ सेवाएं मिलेंगी जी, हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेंगे, PMJAY चिरायु योजना एक्सटेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, मृत्यु कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का बेनिफिट मिलेगा, मैटरनिटी का हॉस्पिटल का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कंपनसेशन मिलेगा, हरियाणा कौशल रोजगार में जो भी लगे हुए हैं उनको हरियाणा कौशल की तरफ से कंपनसेशन भी मिलेगा, और यूनिवर्सिटी में जो सहायक प्रोफेसर हैं या एक्सटेंशन पर लेक्चरर हैं उनको भी उनकी जॉब की गारंटी मिलेगी नैब सिंह सैनी जी से। तो इन्होंने ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें आज की हैं जो आपके साथ हमने पूरी की पूरी डिटेल्स बताई है। एक और है जी, 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमितीकरण को लेकर मुख्यमंत्री निवास को सौंपा ज्ञापन, ज्ञापन सौंप दिया है भी, इस पर भी अब सुनवाई की जाएगी।
ठीक है जी। तो जैसे ही और भी कोई अपडेट आती है तो वो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये अपडेट्स आपके लिए बहुत बड़ी रही हैं। इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।